डायनामोज सुपर कोचिंग टेस्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग बाई टेस्ट बुक पे आपका स्वागत है मेरा नाम है आदित्य आश्रेकर और आज हम जो जानने वाले हैं वो रहेगा एक्सपेक्टेड पेपर फॉर एसबीआई क्लर्क 19, 20 और 25 तारीख को जिनके भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं तो उनका हम डिस्कशन करेंगे कैसा पेपर आ सकता है कल का दिन पहला दिन था यानी कि बारह तारीख तो बारह तारीख को चार शिफ्ट में पेपर हुए और चार शिफ्ट के पूरे के पूरे एनालिसिस हमने किए साथ साथ ही मेमोरी बेस्ड पेपर पहली दो शिफ्ट के ऊपर मैंने आपको बना के वहां पे डिस्कस किया था नाउ इट्स टाइम उन चारों शिफ्ट्स का एनालिसिस करने के बाद जिस तरह से क्वेश्चन आए उनके बेसिस पे अगले हफ्ते होने वाले एग्जाम्स में क्या चीजें देखने को मिलेंगी दैट इज वॉट अवर फोकस विल बी ऑन ओके सो सभी लोग जो जुड़ चुके हैं तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में So, शुरू करेंगे अपना आज का सेशन लेट स्टार्ट इससे पहले कि आगे बढ़ू जितने लोग मुझे दिख रहे हैं शिवम हैज इन हाई शिवम फ्रेग्रेंस हियर देन आनंद मेहर ओके okay? देन uh, अंजलि माझी शालिनी जोशी तो वेरी वाम वेलकम एवरीवन सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है बाकी लोग भी जो जुड़ चुके हैं प्लीज मार्क योर प्रेजेंस सो दैट आई गेट टू नो कौन कौन यहाँ पे आ चुका है तो शुरू करेंगे अपना आज का सेशन जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं तब तक आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ सो दैट यू डोंट मिस इट आउट डों बैंकिंग और रेलवे तीनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन आप लोगों को अभी नादान परिंदे सेल चल रही है क्योंकि चिल्ड्रंस डे है चौदह नवंबर को तो चिल्ड्रंस डे के अवसर पे ये नादान परिंदे सेल आई है जिसके चलते आपको बैंकिंग प्लस एसएससी प्लस रेलवे तीन बड़े बड़े एग्जामिनेशन वन डे एग्जामिनेशन जो है वो तीन बड़े बड़े एग्जामिनेशन जिनका वैसे प्राइस थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एटी एट होता है वो केवल नाइन ट्वेंटी एट रुपीज में मिल सकता है ओके नाइन ट्वेंटी एट में मिल सकता है और अगर देखा जाए टेक्स्टबुक के इतिहास का ये लोएस्ट प्राइस है इससे Uh, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो इससे पहले लोएस्ट प्राइस जो था वो दिवाली ऑफर में आया था जहां ये तीनों चीजें नाइन 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 में मिल रही थी बट नाउ यू हैव अपर हैंड ओवर ऑल दो पीपल 928 में केवल आप उसको प्राप्त कर सकते हैं बट but... वो कब होगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे किस कोड का इस्तेमाल करेंगे आदित्य ए जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तब वो 928 में आपको पड़ेगा ओके लास्ट सेशन एंड होने से पहले मैं एक बार दिखा दूंगा कैसे आप उसको अवेल कर सकते हो फाइन आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन सभी लोग चार्ज हो सभी लोग रेडी हो तो एक बार लिख दो रेडी सो दैट वी कैन स्टार्ट आर सेशन विथ अ पॉजिटिव वाइब कमान रेडी फटाफट से सब लोग बिल्कुल रेडी का यहाँ पे लगा तो झड़ी सो दैट मुझे पता चले कि सभी लोग रेडी हो इस बार फतेह करने के लिए क्लर्क का जो किला है उसको फतेह करने के लिए सभी लोग तैयार हैं अब पहले तो मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स डेटेड 11 नवंबर यानी कि 11 नवंबर को जो मैंने एस बी आई क्लर्क का मॉक लिया था एक्सपेक्टेड पेपर मतलब लिया था जो आपके 12 तारीख के हिसाब से लिया था उसमें मैंने ये टॉपिक्स रखे थे जिन्होंने वो सेशन देखा होगा रात को नौ बजे वैसे वो सेशन होता है ठीक है डेली नाइन पी ही होता है आज संडे इसलिए आज सुबह सुबह फ्रेश मॉर्निंग वाला सेशन अपन ले रहे हैं बट वैसे डेली रात को नौ बजे वो सेशन होता है और उस नौ बजे वाले सेशन में मैंने क्या किया था मैंने ये टॉपिक्स बताए थे अब अगर देखा जाए एरर स्पॉटिंग तकरीबन हर शिफ्ट में आया है कहीं पे एरर स्पॉटिंग की जगह एरर फ्री वाला भी आया है तो दैट्स डिफरेंट थिंग बट एरर स्पॉटिंग के फिर भी क्वेश्चंस थे फ्रेश रिप्लेसमेंट फिल इन द थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में आई गेस है ना थर्ड शिफ्ट था या फोर्थ शिफ्ट था या दोनों थे उनमें आपको फ्रेश रिप्लेसमेंट देखने को मिला फर्स्ट शिफ्ट में फिल इन द फिलिंद था और एक और किसी शिफ्ट में आया था थर्ड या फोर्थ में से देन वर्ड स्वैपिंग वर्ड रीअरेंजमेंट या वर्ड वर्ल्ड वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन वर्ड रीअरेंजमेंट के रूप में फर्स्ट शिफ्ट में वर्ड स्वैपिंग फोर्थ शिफ्ट में वर्ड यूजेज जो है आपका आया था सेकंड शिफ्ट में दो वर्ड दिए थे एक डिवाइस दिया था डी वी आई एस और एक और दिया था लाइटनिंग ओके okay. उसके अलावा क्लोज टेस्ट जो हमें फर्स्ट नहीं था फर्स्ट में पैरा जम्बल था सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था पैरा जम्बल जो हमें फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला था सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो अगेन सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था और रीडिंग कॉम्पिटेंशन जो हर शिफ्ट में देखने को मिला था जितने टॉपिक्स बताए थे वो सब आए केवल एक टॉपिक जो मैंने इसमें नहीं लिखा था बट शायद मैंने क्लास में जब आपको बताया था कि ये एक पॉसिबल होता है ऑल्टरनेटिव वहां बता दिया था वो था मिस और मिस को मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी शिफ्ट में जो है ये सब नहीं आए तो वाले वाले आ सकते हैं और वो शिफ्ट शिफ्ट में में या फर्स्ट आए थे ओके okay? दैट कहने का मतलब है कि सारे टॉपिक जो यहाँ लिखे हैं वो तो आए ही थे एक एक्स्ट्रा टॉपिक ये भी था तो इन सबको कंबाइन करके हमने एक्सपेक्टेड पेपर बनाया है और कुछ नई चीजें भी जोड़ी है जो कि पॉसिबली अगले शिफ्ट्स में हमें पूछने देखने को मिल सकती है तो उसके लिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं हर तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तो लेट स्टार्ट शुरू करते हैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, है, after, क्या लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम है वो आपको बताना है एरर क्या होगा वो आपको बताना है नेवर एमबार्क ऑन वॉट कम्स आफ्टर विदाउट हैविंग मास्टर व्हाट गोज बिफोर वॉट डू थिंक कैन बी द आंसर कम ऑन अमन कह रहे हैं सर मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी करना चाहता हूँ स्टार्ट कहा से कर देखो यार, तो सबकी वही है बेस आपको करना ही पड़ेगा तो पहले बेस अपना कवर करो बेस के लिए आप कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो वेल एंड गुड नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पहले ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जैसे कि मैंने अभी सुपर कोचिंग बताया तो उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आरबीआई ग्रेड बी का गोल अपना चूज कर लेना तो ऐसे में क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका जो है पॉसिबिलिटी बनता है कि आप आरबीआई ग्रेड भी जैसा बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर सको ओके okay, लेकिन पहले बेस बनाना जरूरी है फाइन सो व्हाट आई व्हाट आई कैन सी इ सभी लोग सी 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 बोल रहे हैं मुझे ज्यादा खुशी होगी कि सी सी लिखने के अलावा आप लोग वहां क्या करेक्शन होगा वो भी बताए तो मुझे दिल से एक तसल्ली होगी कि यस आप लोगों ने सब चीज अच्छे से जानी है और आपको सब अच्छे से पता है ओके तो एटलीस्ट गिव इट ए क्या प्रॉब्लम है केवल से नहीं चलेगा यार स्पॉटिंग कर रहे हो तो जरूरी है कि आप बताओ कि वहां प्रॉब्लम भी क्या है ओके तो यस यहाँ भास्कर बता रहे हैं मास्टर्ड होना चाहिए नेवर एम्बार्क ऑन वॉट कम्स आफ्टर विदाउट हैविंग हैविंग लिखा है आपको पता होना चाहिए हैव का कोई भी फॉर्म हो हैव का कोई भी फॉर्म हो हैव हो चाहे having हो, इसके साथ चाहेड भी लिखा है तो भी फॉर्म आएगा। तो having नहीं हो सकता, क्या होना 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 चाहिए? चाहिए। चाहिए, तब जाके वह सही होगा तो आंसर तब जाके वह सही सेंटेंस सही हो पाएगा इट आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई क्लियर है यस परफेक्ट पार्टिसिपल

कास्टेड कास्टेड नहीं यार मेरे भाई casted तो कुछ नहीं होता कास्ट के तीनों फॉर्म कास्ट 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 ही रहते हैं और कुछ कह रहे फ्रेजल वर्ब क्या फ्रेजल वर्ब अच्छा ए पार्ट में नहीं बेटा कास्टेड नहीं होता ध्यान रखना कास्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके तीनों फॉर्म्स कास्ट ही रहते हैं कास्ट 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 उसी तरह जैसे कट 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 होता है वैसे ही कास्ट 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 होता है कट 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 कास्ट 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 ओके और कास्ट से एंड होने वाले भी जितने वर्ड्स होंगे ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट और भी कुछ आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है जो वर्क का काम कर सकता है ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट की तरह तो उसमें आपको ध्यान रखना है उसमें ईडी फॉर्म नहीं लगता ब्रॉडकास्टेड नहीं ब्रॉडकास्ट 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 ही जो है वो आ, सही माना जाता है वैसे पहले समय में एक टाइम था जब ब्रॉडकास्टेड भी यूज किया जाता था बट जब मॉडर्नाइज हुआ बेसिकली इंग्लिश के जो

द डिबेकल डिबेकल मतलब समझते हो ना बिल्कुल अटर फेलियर जिसको बोलते हैं ना कंप्लीट फेलियर तो द डिबेकल ऑफ इज ड्रीम प्रोजेक्ट अवे नहीं होगा, अवे नहीं है फ्रेजल वर्क का ही इश्यू है सही पकड़े थे तो कास्थ्यम अवे नहीं कास्ट हिम डाउन होना चाहिए कास्ट हिम डाउन का मतलब है किसी को बहुत ज्यादा दुखी करना डिमोटिवेट कर देना डिजेक्टेड तो उसके लिए यूज होता है कास्ट समवन डाउन कास्ट समवन डाउन टू मेक समवन अनहैप्पी टू मेक समवन डिजेक्टेड उसके लिए यूज होता है कास्ट हिम डाउन कास्ट हिम अवे अगर यूज होता है तो रिनाउंस के लिए यूज किया जा सकता है ओके okay, रिनाउंस करने के लिए बट कास्ट हिम अवे नहीं कास्ट हिम डाउन होना चाहिए क्योंकि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया तो ये फ्रेजल वर्ब है ध्यान रखना इस इन एग्जाम्स में अभी जो पहले शिफ्ट में या पहले दिन में हुए वहां हमें फ्रेजल वर्ब का बहुत रेयर यूज देखने को मिला है बट सेकेंड वीक वाले ध्यान रखे फ्रेजल वर्ब कैन बी द गेम चेंजर ध्यान रखिएगा फ्रेजल वर्ब कैन बी द गेम चेंजर फ्रेजल वर्ब वो चीज होंगी जिसके कारण चीज तो वही लिखी होंगी बट लेवल थोड़ा सा कह सकते हो कि आपको अलग लगने लगेगा अरे यार याद ही नहीं आ रहा नहीं समझ में नहीं आ रहा सो जस्ट बी रेडी विथ रेडी फॉर दैट ओके तो अपनी तरफ से आपके पास टाइम है सात दिन है मैं कहूंगा फ्रेजल वर्ब्स को एक बार गो थ्रू कर लेना स्पेशली जो मोस्ट रिपीटेड वाले होते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए ये मोस्ट रिपीटेड नहीं है बट स्टिल कुछ ऐसे होते हैं जैसे पुट ऑफ है पोस्टपोन करना या और क्या हो सकता है जैसे लुक अपॉन होता है या लुक डाउन अपॉन होता है ये बेसिक जो होते हैं जो मतलब रेयर नॉर्मली यूज होते रहते हैं डेली लाइफ में भी उनको एटलीस्ट ध्यान रखिएगा ओके आई होप सो दिस इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ तो यहां देखो ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ज्यादा गए थे फर्स्ट अपने फर्स्ट डे में तो लिखा है इफ आई डैश दिस मैच आई वुड हैव बीन द मैन ऑफ द मैच क्या लगता है यहाँ आंसर आना चाहिए फटाक से बताओ इफ आई डैश दिस मैच आई वुड हैव बीन द मैन ऑफ द मैच व्हाट डू यू थिंक कैन बी द आंसर एग्जैक्टली यहाँ पे अगर देखें ये कंडीशनल है और कंडीशनल है तो नॉन कंडीशनल को हम देखेंगे वुड हैव बीन यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कौन सा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है यूज किया जाता है नॉन कंडीशनल में तो कंडीशनल में आना चाहिए पास्ट परफेक्ट कंडीशनल में क्या चाहिए? Past perfect आना चाहिए पास्ट परफेक्ट आना चाहिए पास्ट परफेक्ट आना चाहिए तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में लगता है उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट ओके वेन एवर वी यूज हैड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दैट केस वी कैन से कि वहां पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है इसके चलते ऑप्शन हमारे पास हैज प्लेड प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं चाहिए प्लेड प्लेड नहीं हो सकता प्रेजेंट परफेक्ट है हैड बिल्कुल सही है प्लेड केवल सिंपल पास्ट है नहीं आ सकता आंसर आना चाहिए हैड प्लेड ये थर्ड कंडीशनल होती है जहां पे फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है इसको रटने की जरूरत नहीं है सिंपल भाषा में समझाऊ तो ये वो वाला केस होता है जहां पे अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत वाला देखने को मिलता है ठीक है तो इधर वही लिखा है कि इफ आई हैड प्लेड दिस मैच अगर मैंने ये मैच खेला होता तो मैं मैन ऑफ द मैच होता लेकिन मैंने मैच खेला ही नहीं तो आप पछता है जब गई खेत? Okay. तो इस तरह से वहां पे यूज किया जाएगा आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला सवाल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जहां लिखा है द एंटायर टाउन वॉज सेट ऑन द दस when it was announced that a giant mega store would be closing itself the entire town was set on the ears when it was announced that a giant mega store would be closing itself again the same case phrasal verb मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ कि आपको फ्रेजल वर्ब्स जो है ये करवाए जाए और एक आध सेशन भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं फ्रेजल वर्ब्स पे प्लान कर लूंगा इस बीच सो दैट वी आर वेल सिक्योर्ड So that, uh, हमारा एग्जाम में कुछ भी नुकसान ना हो एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कमॉन इतने कम लोग क्यों देख रहे भाई सेशन को शेयर करो जरा फटाफट से एक्सपेक्टेड पेपर है सबके काम आएगा कमॉन बुला लो सबको हम्म कोई नहीं तो यहां देखते हैं क्या है इंटायर टाउन वॉज सेट ऑन दस

बट अभी जो है बिग बाजार क्लोज डाउन होने शुरू हो गए हुए कि नहीं काफी जगह तो डी जो है काफी अलग लेवल का क्रेज है तो खैर जो भी है तो वेन इट वॉज अराउंड जॉइंट मेगा स्टोर वी क्लोजिंग इट सेल्फ ये सुनने पर पहले तो ये देखो आईज पे असर पड़ेगा या, या इयर्स पे पहले तो ये डिसाइड कर लो आइस पे असर पड़ेगा कि ईयर्स पे माना कि ये तुक्केबाजी ही हो जाएगी बट स्टिल मैं मानता हूं कि एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई अभी तो नंबर नहीं कट रहे तो हम ट्राई करने के लिए ऐसा सोचते हैं तो अगर कोई मेगा स्टोर जब कोई मेगा स्टोर बंद होने की ऐसी बात हो रही है तो पहले तो असर किस पे पड़ेगा आंखों पे कि कानों पे ऑब्वियसली ईयर्स पे है ना आइस पे तो असर नहीं पड़ेगा क्या हो जाएगा अंधा थोड़ी ना हो जाएगा कान हम कहते हैं ना कान खड़े हो जाए जैसे उस फॉर्म में हो जाएगा अरे ऐसा तो एटलीस्ट इयर्स है इतना तो पक्का है आईज वाले ऑप्शन तो पक्के पक्के हटा सकते हैं ओके नाउ वी आर सेट बाय द द द इयर्स 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 सेट सेट एट और ऑन जहां तक मुझे पता है आपको एट वर्ड का यूज पता है एट हम ज्यादातर प्रीपोजिशन में जहां भी यूज करते हैं वो होता है कुछ पॉइंट आउट करने के लिए राइट right? कुछ पॉइंट आउट करने के लिए तो सेट एट द इयर्स तो नहीं होगा क्या किसी निशाना थोड़ा ही साधा है नहीं हो सकता ठीक है अब रही बात सेट ऑन द इयर्स और सेट बाय आंसर यहाँ जो सही होगा वो होगा से मतलब मिलेगा तो लोग उसी में और वो तो उसको बोलते हैं तो आंसर उसके चलते सेट बाय दस सेकेंड वाला होना चाहिए ओके आई होपो दिसरी क्लियर टू एवरी वन लेकिन ऐसी चीज अगर आपको नहीं पता है तो एग्जाम में स्किप करनी है इसको करने चाहिए चक... के चक्कर में जो है आप अपने नंबर नहीं गवा सकते ओके okay, यहाँ केवल ट्राई करने के लिए मैंने आपको जो है ये करने को कहा बाकी एग्जाम इस में इसमें करने की फिर जरूरत नहीं है अगर आप अवेयर नहीं हो एक्यूरेसी विल मैटर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां लिखा है देखो क्या लिखा है स्मिथ फॉर्मर ई बे एंड माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव वॉज अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ओबामा आफ्टर अदर्स टर्न आउट द पोस्ट क्या लगता है यहाँ आंसर होगा इजी है ये तो इनफैक्ट अभी शायद रिसेंटली किसी सेशन में किया भी था ये क्वेश्चन कमॉन एग्जैक्टली टर्न द डाउन डाउन टर्न का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना स्पेशली किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं टर्न द पोज डाउन ठीक है टर्न डाउन कर देना मतलब किसी चीज को रिजेक्ट करना स्पेशली किसी ऑफर किसी प्रपोजल को जब आप रिजेक्ट कर देते हो उसको बोलते हैं टर्न डाउन ठीक है का मतलब होता है जब आप कहीं पे आते हो ठीक है या तो वो अभी तक आया नहीं है तो टर्न वहां लग जाता है लुक आफ्टर ये भी एक फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना टू टेक केयर ऑफ समवन ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स तो लुक आफ्टर जो है वो देखभाल करने के लगता है और हेल्ड ऑन का मतलब किसी चीज को रोके रखने के सेंस में रहेगा हेल्ड ऑन आंसर जो सही होगा वो होगा टर्न द पोस्ट डाउन दैट्स वॉट आवर आंसर शुड बी ओके आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखो लिखा है शी एडेड दैट एन इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट वुड क्राउड इन और पुल इन Does dash the और विजुअलाइज करो माइंड में इमेज बनाओ शी एडेड उसने जो है बोलते हुए और चीज बताई क्या बताई एडेड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कुछ बढ़ोतरी होती है इनक्रीज होता है तो वुड क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी खींचा जा सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगी जिससे इकोनॉमी क्या हो जाएगी दस डैश द इकोनॉमी तो दस प्रिजर्विंग द इकोनॉमी स्वर्विंग द इकोनॉमी रिवाइविंग द इकोनॉमी रिवर्सिंग द इकोनॉमी या रिग्रेसिंग द इकोनॉमी अगर आपने सोचा है विजुअलाइज किया है तो आई एम डैम शोर आप गलत नहीं कर सकते कमॉन एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं रिवाइविंग रिवाइविंग होना चाहिए नहीं बेटा रिग्रेसिंग नहीं हो सकता रिग्रेस वर्ड किस वर्ड की तरह साउंड करता है सोचो रिग्रेस एक और वर्ड ऐसा ही लगता होगा रिग्रेस जैसा हु बहु मिलता जुलता कौन सा रिग्रेस और एक और क्या हो सकता है बताओ जिसने बोला था वो रिग्रेस उसी की उसी से पूछ रहा हूं मैं किसने बोला था रिग्रेस अर्पिता ने रिग्रेस आप बताओ रिग्रेस किस वर्ड जैसा लगता है किस वर्ड की तरह सुनने में लगता है नहीं, रिग्रेट की तरह नहीं प्रोग्रेस की तरह एग्जैक्टली exactly. मतलब 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 उल्टी वापस आने लगे मतलब कह सकते हो रिग्रेस रिग्रेसिव स्टेप है जैसे कुछ तो मतलब एक होता है कि जिससे की चीजें आगे बढ़ेंगी रिग्रेसिव स्टेप का मतलब है हम और पीछे चले जाएंगे ओके तो इस तरह से तो बेसिकली जैसे अगर मैं कहता हूँ कि पावर प्ले का इस्तेमाल अगर हमारे इंडियन बैटर्स अच्छा करे तो दैट दैट इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप जिसके कारण क्या होगा कि बाकी जो प्लेयर्स है वो और अच्छा खुल के खेल पाएंगे बट वो लोग क्या वो लोग उसमें टेस्ट मैच खेलने लग जाते हैं तो दैट इज अ रिग्रेसिव स्टेप जिसके कारण जो है प्रेशर उन पर बनता है विकेट भी खो देते हैं और उसके बाद जो है आने वाले बल्लेबाज भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो ऐसे में ये आपका रिग्रेसिव ऐसे समझ सकते हो ओके यस yes. सो so, यहाँ पे लेकिन हमें क्या चाहिए था अब इकोनॉमी क्या हो पाएगी इकोनॉमी क्या हो पाएगी रिवाइव हो पाएगी रिवाइव पता है आप लोगों को पता होगा ये एक वो आता है पाउडर क्या वॉशिंग पाउडर टाइप का कुछ आता है रिवाइव रिवाइव क्या होता है जिससे कि कपड़ों में नई चमक आ जाए ऐसे कुछ तो भी ऐड करते हैं ना वो रिवाइव वाले का तो रिवाइव का मतलब है क्या वो चीज बिल्कुल मतलब तो कह सकते हो रिवाइव हो सके मतलब जिसकी जान एक तरह से खत्म हो चुकी है वो रिवाइव हो सके तो ऐसे में रिवाइव वर्ड यूज किया जाता है रिवाइव तो मतलब किसी चीज़ वापस से जान भर देना तो वही होगा इकोनॉमी अभी स्पेशली कोविड के बाद क्या है एक तरह से डाउन सी हो गई है और हमें क्या चाहिए कि वह रिवाइव हो सके मतलब वापस वो उसमें जान भर सके तो दैट इज रिवाइविंग इज द करेक्ट आंसर हियर ओके आई होप सो सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी एनी डाउट यहाँ तक कोई सवाल है किसी का अः uh... कपड़े कड़क हो जाते थे ऐसा है क्या हम्म hmm. का मतलब होता है कुछ डायरेक्शन चेंज होने के सेंस में यूज किया जा सकता है मतलब कुछ ऐसी चीज जिसके कारण किसी चीज की दिशा बदल जाए वो हो सकता है आपका स्वर्विंग ओके okay? प्रिजर्विंग पता ही होगा प्रिजर्व मतलब कुछ बचाना वो होगा नहीं रिवर्सिंग रिवर्स कर देना है okay? आगे फिर? Yes. तो की चलते, अगला क्वेश्चन क्या है तो वहां देखो लिखा हुआ है द नीड इज टू एक्सपैंड लैटर अप्रोच एंड टू क्रिएट एंड डैश अ डेमोक्रेटिक जुडिशियल एटमोस्फेर दैट सपोर्ट्स द कॉज ऑफ फ्रीडम अगेन आई से क्या करना है आपको इसको विजुअलाइज करो

<clears throat> हाँ चलेगा कार बिकॉज़ ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड बम्प ऑन द रोड चलेगा कंपेंसेट ओके ये स्किप करोगे ठीक है हाँ नहीं बताया तो कोई बात नहीं तो द नीड टू एक्सपैंड द लैटर अप्रोच ठीक है तो so बाद वाली जो अप्रोच है उसको क्या करना है उसको बेसिकली एक्सपैंड करना है एंड टू क्रिएट एंड डैश अ डेमोक्रेटिक जुडिशियल एटमोसफेयर कॉज ऑफ फ्रीडम तो जो कॉज ऑफ फ्रीडम है उस चीज को सपोर्ट कर सके ऐसा एक डेमोक्रेटिक जुडिशियल एटमोसफेयर क्रिएट करना पड़ेगा और डैश करना पड़ेगा वैल्युएट एक्चुएट डिस्क्रिमिनेट कंपेन्ट परपेचुएट एनी वन हुन गिव इट ए ट्राई कंफ्यूजन रहेगा शॉर्ट शॉर्ट आंसर नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा है ठीक है तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा द नीड इज टू एक्सपेंड द लेटर अप्रोच एंड टू क्रिएट एंड डैश अब क्रिएट करेंगे और मतलब जुडिशियल डेमोक्रेटिक जुडिशियल एटमोस्फेयर को क्रिएट किया और उसको ऐसा कुछ किया जिसके कारण कॉज ऑफ फ्रीडम जो है कॉज ऑफ फ्रीडम उसको सपोर्ट किया जा सके तो वैल्यूएट लिखा है वैल्यूएट मतलब किसी की वर्थ किसी की वैल्यू पता करना उसका तो सेंस नहीं बनेगा क्रिएट एंड वैल्यूएट नहीं उसके अलावा डिस्क्रिमिनेट वर्ड शायद आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेट का तो तो नेगेटिव सेंस में जाएगा और ऐसा तो नहीं करेंगे जब क्रिएट करेंगे और सपोर्ट करवाना है तो डिस्क्रिमिनेट जैसी चीज तो नहीं होगी कंपेंसेट की भी अगर बात करें का का मतलब होता है किसी चीज जो आपने खर्चा वगैरह किया है तो उस चीज का जैसे कुछ खर्चा पानी जो मिलता है बेसिकली वो कंपेंसेट हो सकता है कम्पेंसेशन आपने सुना ही होगा है ना वो अब एक बचा एक्चुएट एक बचा परपेचुएट परपेचुएट आपको शायद याद होगा परपेचुआ परपेटुआ है ना तो ऐसे में परपेटुआ बेसिकली क्या होता है कि परपेटुआ मतलब जो अनंत काल तक चले जो आगे चले फॉर चले और इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि एक ऐसी चीज क्रिएट करे और ऐसा कुछ करे जिससे कि कॉज ऑफ फ्रीडम को सपोर्ट किया जा सके परपेचुएट विल बी द करेक्ट आंसर परपेचुएट यहाँ पे सही रहेगा रही बात एक्चुएट की एक्चुएट का मतलब होता है मोटिवेट करना तो यू कान यू कैन नॉट मोटिवेट एनी जुडिशियल एटमोस्फेयर बट यू कैन डेफिनेटली परपेचुएट मतलब किया जाए कि वह अनंत काल तक चले ऐसे तो ऐसे में कोई हर्ज नहीं होगा कोई इशू नहीं होगा ठीक है बट अभी के लिए आपको वर्ड्स के मीनिंग पता चल गए चाहे वो परपेचुएट हो चाहे एक्चुएट हो चाहे ये हो कौन सा वेल्युएट हो तो सभी के मीनिंग्स पता है तो अगर इस तरह का कुछ फंसता है तो यू आर नाउ वेल अवेयर ओके Yes. Perpetua, वहीं से निकल के आता है ओके okay? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसका आंसर है नेक्स्ट की तरफ चलते लिखा है पीएम किसान स्कीम स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैश ऑफ ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स ऑफ द कंट्री क्या लगता है यहां आंसर आएगा बताओ पीएम किसान स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैश ऑफ ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स ऑफ द कंट्री टू इंस्टॉल द इनकम

ओके okay, काफी लोग सी या थ्री 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 बोल रहे हैं बिल्कुल सही है बहुत सही है यहाँ देखो क्या बोल रहे पीएम किसान स्कीम जो है पीएम किसान स्कीम जो है पहले ही बोला है किया करो फिर तब बेटर होते हैं जब आप विजुअलाइज करते हो पीएम किसान स्कीम है मतलब प्रधानमंत्री किसान स्कीम जो होगी वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कोई डैश सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स ऑफ द कंट्री भाई कोई भी स्कीम निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे उनके भले के लिए उनके जो है बेहतरी के लिए तो अब क्या इंस्टॉल इनकम इंस्टॉल होती है इम्पोसिबल है भूल जाओ यार इनहिबिट इनहिबिट का मतलब है किसी चीज को होने से रोकना या किसी चीज की पेस को स्लो कर देना तो ऐसा भी क्यों करेंगे वो भी सेंस नहीं बनता कि इनकम को स्लो कर दे ऐसी कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम होगी जो उनके अनहित में मतलब क्या बोलते हैं उसको अहित में होगी वो भी नहीं हो सकता क्रॉल क्रॉल मतलब तो रेंगना होता है फिर से स्लो स्पीड करने वाले सेंस में होगा वो भी नहीं हो सकता डेफिनेटली ऑगमेंट सही होगा ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना तो इंक्रीज करने के सेंस में ये बिल्कुल सही जा रहा है और इंक्रीज ही अपना आंसर होना चाहिए ऑगमेंट जो है वो आपका इंक्रीज शब्द इसके लिए लगेगा या ऑगमेंट वर्ड जो होता है वो इंक्रीज का मीनिंग देने के लिए लगाया जाता है ओके यस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है कौन सा मिस स्पेल्ड का तो स्पेलिंग वाला वाला है ये अपन ने वैसे डिस्कस नहीं किया था बट स्टिल इट्स प्रायोरिटी प्रोग्राम इंक्लूड बिल्डिंग मैसेव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ओनली डिस्टर्ब द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वी डेस्परेटली नीड टू प्रोडेक्ट जो भी आपको लगता है प्रॉब्लम है वो तो लिखो ही लिखो मतलब वो ऑप्शन लेकिन उसके साथ साथ करेक्शन स्पेलिंग भी चाहिए ठीक है जो करेक्ट स्पेलिंग है वो भी मुझे चाहिए यस yes, तो काफी लोग यहाँ पे बता रहे ई होना चाहिए डेस्परेटली जहाँ कुछ लोग स्पेलिंग भी बता रहे हैं डी एस ई आर ए टी वाई बिल्कुल सही शाली नहीं तो डेस्परेटली में जो ए लगा है ये नहीं आएगा ई लगना चाहिए मतलब डी ई एस ई आर ए टी वाई ये होगी डेस्परेटली की स्पेलिंग ओके डेस्परेटली की स्पेलिंग टीई आर होगा

क्या लगता है यहाँ पे आ, आंसर होना चाहिए मतलब एरर किसमें और उसका करेक्शन क्या होगा वो आपको बताना है कमॉन एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ अनिशा बता रही है कि करेक्शन होगा डी लिमिटेशन की स्पेलिंग में डी आई नहीं बल्कि होना चाहिए डी ई एल आई एम आई टी ए टी आई ओ एन ओके तो ये होना चाहिए करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों ने एक चीज गौर की होगी कि आज के सेशन में मैंने अगर किसी चीज के दो क्वेश्चन पिक किए हैं तो एक इजी लेवल का पिक किया है एक थोड़ा सा मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखा है रीजन क्या है क्योंकि अगले शिफ्ट में हो सकता है सेम ही लेवल रहे सेम आए तो मुझे पता है आप लोग अच्छे से कर लोगे जो हमने मेमोरी बेस में भी जाना था लेकिन अगर थोड़ा भी लेवल अप होता है हो भी सकता है फिर नॉर्मलाइजेशन कैन कम इन टू प्ले बट स्टिल अगर ऐसा होता है तो मेन है एक्यूरेसी मैटर करेगी मैं लिटरली बता रहा हूं अगर पेपर का लेवल थोड़ा भी ऊपर हुआ एज कम्पेयर टू डे वन डे टू डे थ्री डे फोर वालों को एक ही चीज ध्यान रखनी है वो है एक्यूरेसी जहां आपने तुक्केबाजी की और मेरा हो नहीं रहा है मेरे दोस्त ने तो नाइनटी एट किए थे मेरे तो एटी सेवन भी नहीं लग रहे हैं तो मैं कुछ तो तुक्के मार ही देता मैं उस तक पहुंच जाऊंगा आप उस तक पहुंच जाओगे अटेम्प्ट के मामलों में लेकिन सिलेक्शन के मामले में आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे मतलब प्री क्वालिफाई के मामले में नहीं पहुंचे गया। And अगर normalization आता है उस मामले में तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि accuracy ही है आपका पेपर का लेवल कितना भी difficult हो जाए अगर आपने accuracy maintain करी है, तो पूरी -पूरी है। आदत बनाओ जो क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं मान लो नहीं आता कोई दिक्कत नहीं हम सीख लेंगे उसको स्किप कर देते अभी के लिए चलेगा ओके आई होप सो ये बात क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा अगले क्वेश्चन को देखें लिखा है यहाँ क्या करना है यहाँ वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन दिया है वर्ड स्वैपिंग करो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन अ फाइन ओल्ड सी ऑन द अदर साइड ऑफ द बानियार्ड देर वंस लिव्ड अ गुड मदर या गुड मदर पिग विथ हर थ्री चिल्ड्रन क्या लगता है आंसर होगा हाँ, exactly. बाकी लोगों को गलत करने तो अपन को अपना मतलब होना चाहिए हमें हमें पता होना चाहिए कि accuracy the वही तो okay. so अजीब लग रहा है पहले ही पढ़ के देर वंस लिव्ड अ गुड मदर मदर हो सकता है विद हर थ्री प्लूरल है तो so चिल्ड्रन ये भी हो सकता है तो so प्रॉब्लम जो है वो इसी में है अदर साइड ऑफ द सी हो सकता है दूसरे तरफ सी के उस साइड और इन फाइन ओल्ड बानियाड बानियाड के भी बाउंड्री हो सकती है तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और बी इंटरचेंज होगा जिसके चलते फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां लिखा है क्या लिखा है 900 of of क्या लगता है यहां आंसर होगा शब्दों को सही जगह रखो और फिर आंसर दो कमॉन ओके okay, कुछ लोग डी 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 बोल रहे हैं फाइन देखते हैं रिसर्चर्स से देयर एक्सटिंक्शन फ्रॉम एन रिस्क ऑफ मोर देन 900 रीफ साइट्स शो द फाइंडिंग्स ऑफ एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल कोरल स्पीशीज इज लोअर देन करंट इंटरनेशनल असेसमेंट एक चीज जो मुझे पक्का पता चल रहा है कि यहाँ एन लगाए तो यहाँ पे एक नाउन चाहिए जो कि वोवेल साउंड वाला हो और दूसरी चीज वह सिंगुलर भी हो सिंगुलर काउंटेबल हो एक्सटेंशन एक प्रोसेस हो सकता है बट नहीं जम रहा analysis के साथ an analysis possible है तो मेरा मानना है कि डी जो है वो बी की जगह आएगा डी जो है वो बी की जगह आएगा मतलब डी का सेकेंड में लगना तय है जो मुझे दो ऑप्शन में दिख रहे हैं कोई बात नहीं और क्या हो सकता है और क्या मैं देख सकता हूँ रिसर्चर से देयर डैश

CD, मेरा आंसर वैसे आ चुका है CD भी है अब मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा दिस इज द अप्रोच यू शुड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस क्वेश्चंस इन questions को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप पूरे के चक्कर में मत पड़ो जो आपको पक्का पक्का दिख रहा है कि ये डैम श्योर sure है ऐसा ही होगा ये डैम sure श्योर ऐसा ही होगा तो उसके बाद आप बाकी ऑप्शन से भी हेल्प लेकर कर सकते हो अब मैं एक बार सीडीबीए बस क्रॉस चेक जरूर कर लेना नहीं तो कभी कभी वो भी गड़बड़ हो सकता है तो रिसर्चर से देयर फाइंडिंग्स

ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्या है सी भी अपना आंसर हो जाएगा अगला देखो क्या है ये फर्स्ट शिफ्ट में इस टाइप का ही आया था तीन वाला मैंने जान बुझ के चार वाला दिया है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है एक्सपेक्टेड में मतलब जो नेक्स्ट uh, uh, क्या बोलते हो नेक्स्ट शिफ्ट्स में जो हो सकता है वो पॉसिबली चार वाला या पांच वाला भी आ सकता है ओके okay? तो अभी देखते हैं ये वाला अगर यही आया तो कोई दिक्कत नहीं चीजें वही है तीनों चारों पांचों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो चीज वही, है, करना वही है, है।, time, no बहुत है एक छोटी सी बात केवल ध्यान में रखो जो मैं मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताई वही चीज आपकी यहाँ पे भी लागू हो जाएगी ओके okay? ओके कैब कैब सीएबी काफी लोग बोल रहे हैं कुछ लोग ये क्या बी अच्छा मैं सोच रहा हूँ बीबीवी ये कौन सा ये ऑप्शन ही नहीं है अच्छा, नहीं अच्छा एक मिनट रुको फिर कुछ लोग सी so, क्या है यही से पता चल रहा है प्लूरल वर्ब का मतलब इधर प्लुरल सब्जेक्ट चाहिए टॉर्चर प्लुरल सब्जेक्ट नहीं है कास्ट है तो सी पहला आना तय है कि कास्ट है

ये आपको हेल्प करते है क्योंकि वही ज्यादातर वर्ड यूजेज में आपको कंफ्यूज करके दिए जाते हैं ओके ए भी कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग सी बोल रहे हैं अलग अलग आंसर्स दिए जा रहे हैं चलो देखते हैं ही, पहले था, elicit, आपको पता होना कि एक वर्ब है इसी का एक जुड़वा भाई है वो है इलिसिट ठीक है इलिसिट जुड़वा भाई जो एक एडजेक्टिव होता है याद बहुत इजीली रखा जा सकता है जैसे इसमें आई डबल एल स्टार्टिंग में इसके मीनिंग में भी आई डबल एल ही आता है स्टार्टिंग में और ये बन जाता है इलीगल और एलिसेट क्योंकि वर्ब है तो एलिसेट का मतलब है कुछ प्राप्त करना ड्रॉ आउट समथिंग ठीक है ड्रॉ आउट समथिंग समथिंग उस सेंस में समय एक वर्ब के रूप में जाता है ड्रॉ आउट या ऑप्टेन के सेंस में ओके okay? ऑपटेन के सेंस में इसके चलते अगर हम देखें तो ही मैनेज टू एलिसिट डोनेशन फ्रॉम मेनी स्मॉल बिजनेसेस मतलब वह सफल रहा ऑप्टेन करना प्राप्त करने में डोनेशन फ्रॉम स्मॉल बिजनेस परफेक्ट है भाई उटेशन बर्थडे पार्टी ये भी सही जा रहा है, है। यहाँ चाहिए एक एग्जेक्टिव जो की इलिसिट होना चाहिए इलीगल प्रैक्टिस तो ये गलत हो जाएगा ओके इसका मीनिंग ड्रॉ आउट ऑप्टेन इवोक के सेंस में भी आता है ओके तो आंसर आपके ए और बी दोनों होने चाहिए यानी कि बोथ ए एंड बी सेकंड ऑप्शन शुड बी मार्क्ड एज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गॉट इट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां पे देखो क्या लिखा हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एन सी आई टी ई इनसाइट क्या लगता है यहाँ पे आंसर होगा फटाक से बताओ जरा फटाक से फर टू इवोक रिस्पांस फ्रॉम समवन अगर आप बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच भी पता कर लो ना यार इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये तो भी कहीं ना कहीं आधी चीजें तो आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी इसलिए कहते हैं बेसिक ग्रामर आपका क्लियर होना चाहिए अगर बेसिक ग्रामर क्लियर है भले ही डायरेक्टली यूज बहुत कम होगा इसलिए लोग बताते तो हैं है। उनके लिए वो दो या पांच नंबर का एरर स्पॉटिंग के रूप में आता है जिनको यूज करना आ गया ग्रामर वो हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं आरसी को छोड़ के आरसी में भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स किए जा सकते हैं उससे मतलब चौबीस क्वेश्चन या अगर हम कहे टोटल तीस क्वेश्चन होते हैं इसमें दस आरसी है तो नहीं तो भी मैं अठारह में आपको कह सकता हूं कि ग्रामर का इस्तेमाल हो सकता है नहीं तो भी एलिमिनेशन के लिए तो हेल्प हो ही सकता है अगर आपका बेसिक ग्रामर पूरा कवर्ड है पूरा वर्ड है ओके क्लियर यहाँ पे लोग बता रहे हैं कुछ लोग ए एंड सी बोल रहे हैं अच्छा ए एंड सी में इनसाइट होना चाहिए सी 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 आंसर बता रहे हैं मतलब ओनली बी देखते हैं इनसाइट एक वर्ब होता है इनसाइट इसी तरह का एक और वर्ड होता है इनसाइट जो कि एक नाउन होता है इनसाइट जो कि एक नाउन होता है ओके ोग्राफी प्रोवाइड एंड इलिमिनेटिंग इनसाइट इन टू हिस्स माइंड ये नाउन चाहिए क्योंकि एन लगा है इल्यूमिनेटिंग एक एडजेक्टिव हुआ तो आगे एक नाउन चाहिए और ये वर्ब है तो ये अपने आप में नहीं हो सकता है यहाँ इन साइट की आवश्यकता थी ठीक है द पार्टी एग्रीड नॉट टू इंसाइट इट सपोर्टर्स टू वायलेंस मतलब एक तरह से उनको वायलेंस के लिए जो है भड़काना बोल सकते हैं उनको मतलब उस चीज के लिए प्रोवोक करने के लिए यूज किया जा सकता है या उनको उस चीज के लिए यू कैन से बोला जा रहा है उसके लिए यूज हो सकता है तो ये पॉसिबल है टू प्लस है इन साइट वर्ग का बताया भी था तो डॉक्यूमेंट्री ऑफर देन इंटू ज्यादातर इन साइट के साथ इंटू भी आता है इस वाले और एन लगाए तो सोचना क्या ये नाउन ही होगा वर्ब नहीं हो सकता देखो इस तरह से हम कितने इजीली अपना आंसर चूज कर सकते हैं भले ही आपको शायद इसका मीनिंग नहीं पता बट ये पता था कि इन साइट ऐसा ही जी एस टी वाला नाउन होता है तो भी आप इजीली कर सकते थे केवल एलिमिनेशन से मेरी बात यस तो ऐसे में आंसर क्या होना चाहिए केवल बी सही है बाकी दोनों ही गलत है

जो विजुअलाइजेशन टेक्निक या जो एजन टेक्निक मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करने की उस चीज का आप यूज कर पाए कि नहीं या वो यूज हो पा रहा था कि नहीं अगर कोई है तो प्लीज बताए नहीं हो रहा था कोई दिक्कत नहीं है फिर हम उस हिसाब से करेंगे तो रेनफॉल लास्ट पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल ऑन फ्राइडे ऑन फ्राइडे आफ्टरनून ब्रिंगिंग अ मच नीडेड डैश फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट किस टाइप का वर्ड एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे यस yes. ओके okay, रिस्पाइट बोल रहे है भास्कर फाइन हाँ मतलब क्या बोल रहे है? कि रेनफॉल हुआ बारिश हुई जिसके दिल्ली में बारिश हुई जिसके कारण दिल्ली वालों को एक राहत की सांस मिली है, एक राहत बेसिकली मिली किससे जो बहुत तड़पती हुई धूप थी है ना तड़पती नहीं सॉरी तपती हुई धूप थी रियली सॉरी में <laughs> मच डैश फ्रॉम ना वैसे तपती हुई धूप भी तड़प ही रही होती है कोई बुरी बात नहीं है और जब बारिश आती है तो वो तड़प खत्म हो जाती है कोई बुरी बात नहीं है तो अमच नीडेड डैश फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मच नीडेड राहत चाहिए और राहत के लिए रिलीफ टाइप का कोई वर्ड आ सकता है जिसके लिए अगर ऑप्शन देखे यस रिलीफ काफी लोग बोल रहे हैं तो रिलीफ लेकिन ऑप्शन में रिलीफ तो नहीं है देखो इसमें से क्या हो पाएगा तो रिट्रीव रिजेंबलेंस रिस्पाइट डिजीज या मेलेन ओके अमन बोल रहे हैं लेकिन अमन आपका तो अभी पेपर नहीं हुआ है शायद ओके तो काफी लोगों ने यहां पे ऑप्शन सी या रिस्पाइट बताया है बढ़िया है रिस्पाइट का मतलब भी वही होता है रिलीफ की तरह राहत ओके रिलीफ या राहत बाकी रिट्रीव एक वर्ब होता है रिट्रीव करना मतलब किसी चीज को रिट्रीव मतलब निकालना प्राप्त करना आ, प्लीज होल्ड ऑन वी रिट्रीव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बैंक अकाउंट ऐसा आपने शायद कहीं सुना होगा टेलीफोन लाइन पे है ना रिट्रीव मतलब कुछ चीज रिट्रीविंग द इन्फॉर्मेशन मतलब वो चीज प्राप्त करना वो चीज निकालना बेसिकली रिजेम्बलेंस रिजेम्बलेंस मतलब जो रिजेम्बल करता है दिखने में एक जैसा हो रिजेम्बलेंस हो जाएगा डिजीज मतलब पता ही है बीमारी और मेलनकोली एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा दुख स तो उसके लिए यूज उस किया जाएगा हुआ है तो यहाँ पे लिखा है मरक्यू पिक्ड ऑन थर्सेड टेम्परेचर ऑफ फोर्टी बाबरे तो एज डेली रिकॉर्डेडर ऑफ डिग्री सेल्सियस क्या आ सकता है यहाँ पे एनी वन क्या आ सकता है यहाँ पे ये है ऑप्शन इनमें से क्या होगा डैश टेम्परेचर फोर्टी एट पॉइंट हाँ हाई टेम्परेचर टाइप का कोई वर्ड चाहिए था तो अब यहाँ पे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा सोरिंग ओके हाई यस फ्रॉम द ऑप्शन ऑप्शन में से क्या होगा हाँ, इकोनॉमिकल तो okay, yes, टेम्परेचर कौन सा होता है भाई इकोनॉमिकल टेम्परेचर कौन सा होता है नहीं आंसर आना चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर है ना 48 मतलब कितना ऊपर हो गया यार मैक्सिमम टेम्परेचर उसका जो गया वो 48.1 गया इकोनॉमिकल हो नहीं सकता सेटल नहीं हो सकता नादिर मैंने कल नादिर के बारे में बताया था एक दूसरे सेशन में वो डीआरडीओ सेप्टम uh, वाला मैं सेशन ले रहा था वहां पे तो नादिर का मतलब लोएस्ट पॉइंट है ना लोएस्ट पॉइंट नदी में गिरना नदी में गिरना वो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इज लाइफ ऐसे में वहां पे नादिर वो हो, हो गया ट्रफ ट्रफ नहीं होगा तो आंसर आपका क्या होना चाहिए मैक्सिमम वुड बी द करेक्ट आंसर ओके यस फाइन ट्रफ मतलब अ पॉइंट ऑफ लो एक्टिविटी बेसिकली उसके लिए यूज उस होता है फिर से लो के लिए यूज हो रहा है तो वो नहीं होगा अगला चलते हैं देखो नेक्स्ट क्या लिखा है थर्ड थर्ड ये लिखा है क्या लिखना है लिखा है कि रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर आरडब्ल्यू एफ सी न्यू दिल्ली क्या लगता है आपको शब्दों पर ध्यान देना होता है यहाँ एक शब्द है जिसको देख के आंसर डिसाइड होगा अगर वो शब्द आपने ध्यान से पढ़ा ध्यान से सुना इसलिए कहते हैं विजुअलाइज करो तब जाके आप उसको सही कर पाओगे नहीं तो आपको ऐसा लगेगा की सारे ही हो रहे हैं ठीक है

या थंडर स्टॉम ऑब्वियसली भूकंप के झटके थोड़े तो लगेगी बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो फिर तो जैसी जगह हमेशा भूकंप और ही होने लगेगा क्या होगा थंडर स्टॉम हो सकता है ठीक है थंडर स्टॉम हो सकता है आंधी तूफान आ सकता है वो चलेगा तो इसके चलते आपका आंसर क्या वहां पे थंडर स्टॉम होना चाहिए ओके आई होप की तरफ चलते डेली विटनेसडे डैश वेस्टर्ली विंड्स फ्रॉम सेंट्रल पाकिस्तान

तो ये हो गया और एक और बच्चा होगा शायद या वो भी खत्म हाँ द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई एम डी हैज डैश दैट ड्यू टू दीज विंग्स हीट वेव कंडीशन आर मोस्ट लाइकली टू आगे लिखा भी था हीट वेव कंडीशन आर मोस्ट लाइकली टू प्रिवेल ओवर सम सम्स ऑफ पंजाब तो द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज डैश हैज इसमें से क्या हो सकता है हैज लगाए इससे तो पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली हैज लगाए वो, है वो अब आई एम डी काम क्या होता है किसी को सतर्क करना लोगों को सतर्क करना तो हैज है्ड हो सकता है कॉजेंड होता है तो एक बार सोचते है प्लेड नहीं कर्ज अरे श्राप आप नहीं देंगे भैया इम्प्लोरिंग भी नहीं आ सकता थर्ड फॉर्म चाहिए था वॉन्ड वहां पे आंसर हो जाएगा ओके अब आगे देखे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे अभी और है क्वेश्चन लेकिन उससे पहले बता दो ये सब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एसबीआई में सिलेक्शन लिया है में सेलेक्ट हुए टेस्ट बुक की तरफ से इन लोगों की तरह आप भी जो है अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इन टेस्ट बुक सुपर कोचिंग थ्रू यू कैन क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम्स विद इंडिया सुपर टीचर्स और अभी हाल फिलहाल में जो है आपको मौका मिल रहा है ये ऑफर केवल चौदह तारीख तक है चौदह तारीख तक जहां पे एस बैंकिंग रेलवे तीनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन मतलब तीनों वनडे एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन आपको एक साथ एक ही बार में

ओके okay. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी यार ये वो है क्या है रीअरेंजमेंट है पैराजल है इसको करने में वैसे टाइम लगता है एक काम कर सकते हैं अपन हम्म hmm. hmm. लंबा चौड़ा है टाइम लग जाएगा मैं इसको डायरेक्टली डिस्कस कर लेता हूँ ठीक है आपका इंतजार नहीं करूंगा आप लोग फिर भी ट्राई कर सकते हो और बता सकते हो they report that the prevailing they report starting they report that the prevailing hypothesis that sars-cov-2 originated in an animal host and worked its way possibly through intermediate host to humans is supported by their evidence for nearly a month mbarx team has been in wuhan china where covid-19 was first noticed, noticed in uh, late uh, 2019 investigators from the world health organization are on a mission in china to track down

केवल फर्स्ट निकाल के क्या करोगे माना कि हो सकता है क्वेश्चन जो पूछा उसमें फर्स्ट या सेकंड ही बट पूरा सीक्वेंस अगर निकल पाए तो अच्छा रहेगा और उसमें पेयरिंग ज्यादा ध्यान दिया करो पेयरिंग विल प्ले प्ले अन इम्पोर्टेंट रोल कितने लोग पेयरिंग अच्छे से कर पाते हैं टाइम पे कर पाते हैं वो मैटर करता है तो देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट लगा ये तो नहीं लगा फॉर नियरली अ मंथ एमबारेक्स टीम कौन एमबारेक्स जिसकी बात यहाँ हुई थी तो ये जब तक नहीं आता तब तक ये वाला आ नहीं सकता डी के बाद ही बी आने की कहीं संभावना है ये एक इंट्रोडक्टरी फेज लग रहा है इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन आर ऑन अनाट ये पॉसिबली फर्स्ट होगा ठीक है उसके अलावा यह हो गया होगा तब ऑल्टरनेटिव प्रपोजल की बारी आएगी तो वो उसके बाद आ सकता है लैब इज एक्सट्रीमली अनलाइकली पीटर बेन एम्बारिक्लूच फूड सेफ्टी एंड एनमल डिजीज स्पेशम टेल्सियन अकॉर्डिंग टू द गार्जियन वैसे हमारी टीम भी पॉसिबल है ओके दे रिपोर्ट दिवेलिंग हाइपोथिस ठीक है जड़ अगर खोजने जा रहे टू ट्रैक डाउन द रूट ऑफ तो जड़ कैसे निकालेंगे यही से दे रिपोर्ट दैट द प्रिवेलिंग टू है वही बोला था ना an alternative proposal तभी हो सकता है जब एक प्रपोजल वहां पे कुछ और पहले मिल जाए ओके okay, तो इसके चलते सी पहला होना तय है ए उसके तुरंत बाद आ जाएगा और जब ए आएगा तभी हम अल्टरनेटिव प्रपोजल डी की बात कर सकते हैं सी ए डी

ठीक है लेकिन द पॉइंट इज अब एक दिक्कत आएगी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गार्जियन है इसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है तो अब ये कंफ्यूज जरूर करेगा हमें कि चौथे और में क्या लेना है सीएडी एडी गारंटेड है कि ये सही होने वाले अब अकॉर्डिंग गार्जियन लियांग से डब्लू एच ओज डिगिंग टीम हैज बीन इन वेयर कोविड-19 वाज फर्स्ट नोटिस इन लेट 2019 तो बेसिकली ये वैसे कंफ्यूजन रहेगा बी ई बट स्टिल अगर देखा जाए ये चीज एक कंक्लूजन को वहां पे आ, शो कर रहा है कि वो उनकी खो, खोजबीन वगैरह जो भी रहेगा वो शुरू रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा जारी रहेगा जब तक यू कैन से कि उनकी वो पूरी की पूरी रिसर्च है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तो बेसिकली आई विल गो विद बी एंड देन ई लेकिन ये फिर भी कंफ्यूजन में रहेगा ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है तो अगर क्वेश्चन इन दोनों में से पूछा हुआ है अगर आप श्योर हो तो ठीक है वैसे ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि ये कंक्लूजन कौन सा वाला रहेगा इन तीनों का क्वेश्चन पूछा है तो आराम से मार्क कर सकते हो बट लास्ट दो में आप स्किप कर सकते हो ओके बाकी लोगों का क्या बना है जरा देखे कोई लोग ई e बी बोल रहे हैं कोई लोग बी बोल रहे हैं ना कुछ लोग ई e बी बोल रहे हैं कुछ लोग बी चलो देख लेते हैं क्वेश्चन जो पूछा है फर्स्ट कौन सा होगा पूछ रहे हैं फर्स्ट तो सी होगा सोचने की जरूरत नहीं है वो आंसर भी है और फिर पूछा है लास्ट फिफ्थ वाला पूछा है अब फिफ्थ वाला कौन सा होगा बी या ई e? अपन ने जो इधर किया था वो कौन सा था अपन ने बी किया है इसके हिसाब से एक बार चलते हैं तो मैं ई e को लास्ट में रखना पसंद करूंगा और उसके हिसाब से करें तो ई e, लेकिन काफी लोगों ने ई e भी बोला था देखो यही फर्क पड़ता है तो जो हमें डैम श्योर है पक्का पता है वो हम कर लेंगे एल्स वो हम बाकी हम स्किप करना पसंद करेंगे टाइम इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा जाता है आपने देखा मेरे पांच मिनट कम से कम गए होंगे ठीक है अब इसी तरह से बाकी बचे तो ये है आपका नॉर्मलेशन फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओके तो इनको आप कर सकते हैं आप देखो इसकी पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल यानी कि आदित्य सर टेक्स बुक पे सो so दैट आप इस ये बचे दो क्वेश्चन ये होंगे और उसके अलावा बचे होंगे आपके आरसी वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सेशन को एंड करूं उससे पहले बताना चाहूंगा अब नेक्स्ट क्लास आपको जाना कहीं नहीं है क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे जस्ट मेरा ये सेशन जो कंप्लीट होगा उसके बाद अमित सर का मैथ्स का यानी कि क्वांट्स का सेशन होगा जहां वो एक्सपेक्टेड पेपर आपको बताने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड पेपर में क्या आ सकता है जितने लोगों ने उनका सेशन देख लिया है इससे पहले वाला आपको पता तो चल ही गया होगा कि पढ़ाने का स्टाइल कितना बढ़िया है इतना बढ़िया प्यार से समझाते हैं कि यार आपको मैथ से जिनको नफरत होती है जिनको दिक्कत होती है उनको मोहब्बत हो जाएगी तो अमित सर मेरे साथ स्टूडियो में आ भी चुके हैं तो सर एक बार आप आ जाइए सो देट स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए तो यस अमित सर आ चुके हैं सर दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सबका फेसबुक पर अभी मैं आदित्य सर की क्लास देख रहा था बड़ा मजा आ रहा था आप लोग भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे थे सो so, मेरी मैथ्स की क्लास होगी इसी के जस्ट बाद और उसमें हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस करेंगे बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे अप्रोचेस डिस्कस करेंगे तो आप पुरानी क्लासेस भी देखिएगा जो भी मैथ्स की हुई है और ये क्लास जब आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों ओके okay, तो बस रेडी हो जाओ ग्यारह बजे का अपना सेशन लेने के लिए और बाकी क्या करना है आपको चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग ओके okay? तो इसी के साथ आज के सेशन को यही रोकते हैं पानी वानी पी लो और फिर आ जाओ ग्यारह बजे वाले सेशन को लेने के लिए टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग